सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर कभी वाक्य में ता ती ते आता है लास्ट में, ता है ती ते हैं, तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, इस तरह के सेंटेंस अगर होते हैं तो उसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब भी आप कोई टेंस बना रहे हो तो आपको दो चीज़ पर ध्यान रखना है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, और मेन वर्ब होती है आपकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चार तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सिंपल सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है, ही शी इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें आपको वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। और अगर मान लीजिए कि आई वी दे यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ पर आई एस ई एस नहीं लगेगा। जैसे वो बाजार जाता है तो इसका होगा ही गोज टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ आई गो टू मार्केट। अब इसको मैं अगर नेगेटिव बनाऊंगा तो यहाँ पे मैंने बोला कि दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं डू और डज। तो डू जो यूज़ होता है वो आई वी दे यू और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, और जो डज होता है वो ही शी इट एनी नेम और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो टू मार्केट या आई डोंट गो टू मार्केट, और वो बाजार नहीं जाता तो इसका क्या होना चाहिए, ही डजंट गो टू मार्केट। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आपको बताए इंटरोगेटिव हमेशा क्वेश्चन बनाते तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले पहुंच जाती है। तो क्या मैं बाजार जाता हूं तो डू आई गो टू मार्केट, क्या वो बाजार जाता है तो डज ही गो टू मार्केट। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो क्या वो बाजार नहीं जाता है, डजंट ही गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जाता हूं, डोंट आई गो टू मार्केट। तो इसी तरीके से आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह के टेंस के वीडियोस के लिए मुझे टिकटॉक पर फॉलो करें।